तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज आ सकती है, ये तो कई सालों से बंद है। कौन है यहाँ? कोई है यहाँ? कैसे पुराना शीशा है, इसमें से आवाज कैसे आ सकती है? जिंदा, तुम्हारे परिवार ने मुझे इस शीशे में कैद करके रखा है। मेरे परिवार ने? तुम तो जानते हो हमारे रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दिया। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ये हवेली तो मेरे पति के परदादाओं की है। हाँ मैं, इस साजिश में तुम्हारा पति भी शामिल। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मैं तुम्हारी मुश्किल समझ रहा हूँ, तो तुम ही मेरी परिस्थिति समझो, यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो, वरना वो दाना मुझे मार डालेगा। दाना? हाँ माया, इस शीशे के अंदर एक छोटी सी दुनिया है, जिसमें एक दाना, अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो वो मुझे मार देगा। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा है ये सब? देखो माया, शीशे की दुनिया में एक दरवाजा है, जिसकी तीन चाबियां। चाबियां? कैसी चाबियां? और कहाँ मिली थी ये सब चाबियाँ? इसी हवेली में। लगता है दानव आ गया। तुम यहाँ से जाओ। कहाँ मिलेंगी ये चाबियाँ तीनों? चाबी तुम्हें हवेली की पहली मंजिल में पीछे वाले कमरे से मिलेगी। रन बेटे।
भाभी, कल रात इतनी देर तक आप अपने कमरे से बाहर क्या कर रही थी? वो क्या है ना, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी तो बस वही देखने के लिए आई थी बाहर। वो दरअसल क्या है ना भाभी, कल रात को मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने देखा आप एक घंटे तक कमरे में आए नहीं, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। आप ठीक तो है ना विकास? वो आग हो गई माया, ठीक हो ना? हाँ, अरे मैं ठीक हूँ। कैसे? तुम ठीक हो? मैं ये साफ कर देती हूँ। दीदी, ये औरत ना पक्का हमसे कुछ छुपा रही है, कहीं से किसी के साथ में अफेयर तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है तुलसी, मेरे को ना इस पे स्टार्टिंग से ही डाउट था। आप चिंता मत करो, मैं ना पता लगा के रंगी या फिर माज रखे। चाबी तुम्हें हवेली की पहली मंजिल में पीछे वाले कमरे से मिलेगी।
मेरा शक सही निकला। ये भाई को धोखा दे रही है ये औरत। मैं ना उसको छोड़ूंगी नहीं। ये अभी अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? ले आई रन विजय। नीम साहब की इतनी हिम्मत, हमारे घर में अपने आशिक को लेकर आ रही है। इसको दोनों मैं अभी बताती हूँ। ये मैं कहाँ गई? ये जगह तो हवेली में थी नहीं। मुझे से निकलना होगा। ये ताला कैसे आया यहाँ पे? बंद कैसे हो गया? कोई है? भैया, बेला दीदी, कोई है? साहब हर जगह ढूंढ लिया, तुलसी मैडम क्या कहें कुछ पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? रात को अचानक मेरी बहनें हवेली से गायब हो जाती है और किसी कुछ पता ही नहीं है। चौकीदार का है? चौकीदार, चौकीदार को बुलाया मैंने, वो आ रहा है साहब। ना जाने किस हाल में होंगी मेरी बहन। धीरज रखो भी, तुलसी को कुछ नहीं होगा, ठीक होगी, वो मिल जाएगी। बहादुर, आपने रात को तुलसी को हवेली से बाहर जाते देखा क्या? नहीं साहब। किसी को हवेली के अंदर आते देखा? नहीं साहब। फिर तो तुलसी को हवेली में होना चाहिए। आप एक काम करिए, आप आस पड़ोस में पूछिए किसी ने कुछ देखा क्या। मुझे लगता है हम एक बार और हवेली में अच्छे से ढूंढ लेना चाहिए। तो पहले माले पे देखो, कहीं सबके पीछे उस दानव का तो हाथ नहीं। तुलसी दी का रणविजय, रणविजय वो मेरी ननद तुलसी रात से इस हवेली से गायब है। ये देखो, उसका ये चुपका मुझे मिला इस कमरे के बाहर। कहीं वो दाना तुम्हारे परिवार के भी पीछे आ सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अपने पति से सच नहीं छुपाना चाहिए था। मुझे उन्हें सच बताना होगा। मैं अभी रुको माया। अगर तुमने उस दानव के बारे में अपने पति को बताया तो फिर वो उसके पीछे आएगा। मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? मैं अपने पति और अपने परिवार को खो नहीं सकती हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस दानव को मारने में। कैसे? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ। बस दो चाबियां और चाहिए।
उसी चाबी तुम्हें हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराने स्टोर रूम में मिलेगी। कहाँ थी तुम दो घंटे से? मैं वो तुलसी को ढूंढने लगी हुई थी। मैं तुलसी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं पूरी हवेली में, तुम कहीं दिखाई नहीं थी। मैं पहली मंजिल पे थी ना, इसीलिए शायद। झूठ बोल रही है विकास, ये पहली मंजिल पे तो हम भी थे, मैं और रामू काका, हमने तो नहीं देखा तुम्हें वहां पर। कैसी बात कर रही हो आप जीजी, इतनी बड़ी हवेली है, कोई कहीं भी खो सकता है, आपको तो शायद पता ही होगा। रामू काका, अब जाके देखो बहादुर को कुछ पता चला। जी, अभी देखता हूँ। विकास, तुम्हारी पत्नी ना तुमसे कुछ छुपा रही है। दीदी, आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि तुलसी ने कल रात को मुझे ये मैसेज भेजा था, ये देखो, भाभी किसी आदमी से चुप चुप के मिल रही है और मैं उसका पता लगा के रहूंगी कि वो कौन है। ये उसके लापता होने से पहले का मैसेज था। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि माया ऐसा कुछ कर सकती है। दीदी प्लीज। लेकिन अब मुझे चैन तो तभी आएगा जब सच का पता चलेगा। ये औरत ना पक्का हमसे कुछ छुपा रही है, कहीं से किसी के साथ में अफेयर तो नहीं है? तुलसी, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती जो तुम माया के बारे में मुझे कह रही थी।
ये क्या था? ये तो तुलसी की आवाज है। दीदी बचाओ मुझे, तुलसी, तुलसी, कहाँ है तू तुलसी? दीदी, तुलसी, दीदी, मुझे बचा लो। मुझे लगता है मैं किसी गलत जगह पे आ गई हूँ। ये मेरा वहम था, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। माया, अंदर हो तुम? वैसे भाभी, कल रात इतनी देर तक आप अपने कमरे से बाहर क्या कर रही थी? विकास, हमारी पत्नी ना तुमसे कुछ छुपा रही। अब तो पता लगाना पड़ेगा कि माया रोज देर रात जाती कहाँ है। तीसरी चाबी यही होनी चाहिए, रणविजय ने तो यही बताया था। ये आखिरी पड़ाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है, और इन्हीं चारों डब्बों में से किसी एक में चाबी होगी। पर इनमें से किस डब्बे में चाबी होगी? मैंने गलती से भी गलत डब्बा खोल दिया तो पता नहीं क्या होगा उसमें। हवेली में देख लिया, माया कहीं नहीं है।
रणविजय माया माया आवाज तो यहीं से आई थी बेला क्या हुआ तुम्हें हा? तुम लोग वहां दिख रहे हो यहां नहीं दिख रहे कैसे विकास उसने हमें इस शीशे के अंदर कैद कर लिया है विकास किसने कैद किया तुम्हें मकारा मकारा भाई भैया वो आ रहा है तुलसी बेला अरे तू कहां चले गए ये मैं खाऊं तुलसी बेला बेला तुलसी ए मकारा रुक तूने मेरी बहन को कुछ किया ना छोड़ूंगा नहीं तुझे तेरी दोनों बहनें तो और लोग सिधार गई नहीं और इस सब में मेरी मदद तेरी पत्नी ने खुद की है बकवास कर रहा है तू मैं नहीं मानता हाँ मुझे उसके आशिक का रूप लेना पड़ा पर सच तो ये है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती घबरा मत तुझे मैं नहीं मारूंगा अब तू पूरी जिंदगी तड़पेगा इस शीशे की दुनिया में कैद रहकर चले गए बेला दीदी भी अपने कमरे में नहीं नजर आई थी कुछ हो तो नहीं किया मुझे राम काका को बोला जी रामू काका परछाई दिखाकर मुझे इस शीशे में कैद कर दिया विकास I'm really sorry. ये सब मेरी गलती है वो
मैंने आपसे ना एक बहुत बड़ा झूठ बोला। मैं ना चुप चुप के रणविजय से मिल रही थी, वो इसी शीशे में कैद था, उसे बाहर निकालने के लिए मैंने उसे वो तीन चाबियां ढूंढ के दी। मैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी, वो सब मेरी वजह से हो गया ये। मैं जानता हूँ माया, लेकिन तुमने रणविजय की नहीं, रणविजय के रूप में उस दानव की मदद की। उस दानव का असली नाम है मकारा। मकारा? बहुत पुरानी बात है माया, मेरे दादाजी शंकराचार्य के नाम से जाने जाते थे। उनके पास काले जादू की सिद्धि थी, पर उन्होंने अपनी शक्तियां हमेशा लोगों की भलाई में इस्तेमाल की। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख मकारा था। मकारा बहुत ही बुद्धिमान और प्रख्यात शिष्य था, जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उस मकारा की नीयत खराब थी। आप ये सब कैसे जानते हैं? बचपन में दादाजी ने हमें मकारा के बारे में बताया था। मकारा को पता था कि ये हवेली शमशान घाट की जमीन के ऊपर बनी है और यहाँ की भूमि में बहुत आध्यात्मिक शक्तियाँ वास करती हैं। मकारा उन शक्तियों को पाकर काले जादू से सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था। रुको! मकारा, यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? मालिक ने तुम्हें मना किया ना अंदर आने के लिए, निकलो। तुझे पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस हवेली की भूमि से शक्तियों को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं मकारा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, आपके मरने के बाद ही सही। ये जमीन है, ये आसमान है, ये कायनात है, तब तक तू इस शीशे की दुनिया में कैद रहेगा। पर अब उसने मेरी बहनों को मार के और मुझे यहाँ कैद करके दादाजी से अपना बदला पूरा किया। तो वो तीनों चाबियां आपके दादाजी ने छुपाई थी, तभी उनके चारों ओर वो जादुई शक्तियां थी। माया, अगर उसे रोका नहीं गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। मैं पर वो इतना शक्तिशाली है, हम कैसे रोकेंगे? हम क्या करें? एक तरीका है माया, वही तरीका जिससे दादाजी ने उसे परसों पहले रोका था। मतलब? सुबह दादाजी के कमरे में जाना होगा, वहाँ उनकी एक डायरी मिलेगी, उस डायरी में लिखा है कि इस मकारा को कैसे हराया जा सकता है। ठीक है, ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ है ना, तो मैं ही इसे खत्म करूंगी, लेकर आऊंगी उसको। Thank you.
तुम कब तक छुपोगी मुझसे? क्या करूं? क्या बिछाए जाने फंस गए ना तू, अब तैयार हो जा मरने के लिए। अब तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा।